लाइफ। और आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल पंजाबी बाग वाले, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हर्ष का बर्थडे है आज, तो हम सुबह सुबह जा रहे हैं दर्शन करने। और आपको ये व्लॉग ना, मतलब बर्थडे संडे को है, आपको ये व्लॉग ट्यूसडे को मिलने वाला है। सो चलते हैं, हम दर्शन करते हैं और देखते हैं कि हमें इस्कॉन में कैसे दर्शन होते हैं कृष्णा जी के। काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं हम, सीरियसली कितने टाइम से प्लान कर रहे हैं, हम जा ही नहीं पा रहे थे, तो अब चलते हैं और आपको पूरा रूट भी बताएंगे कि क्या रूट है, कि जिस रूट से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं मजलिस पार्क वाले मेट्रो स्टेशन पे। हम पहुंच गए हैं मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हार्डली 5 स्टेशन दूर है हमारा लोकेशन, और यहाँ पे हम मेट्रो में बैठ गए हैं। और ये एग्ज़िट गेट भी हमने गेट नंबर 1 से एग्ज़िट किया है, जो कि पंजाबी बाग क्लब की तरफ करता है एग्ज़िट, और ये कुछ इस टाइप का एग्ज़िट गेट है। और बाहर निकलते ही ना आपको सामने ही बैटरी रिक्शास वगैरह दिख जाएंगे, सो आप उन्हें बोलोगे तो वो हार्डली, जैसे अगर आप ज़्यादा हो तो 20 रुपी, और जैसे हम दो थे तो हमने 50 रुपी दिया, और जिसमें सिर्फ हम दो ही थे रिक्शे पे, सो जैसे सेपरेट किया और 50 रुपीज़ में हम डायरेक्ट वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ पे मंदिर है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस है मंदिर का मेट्रो स्टेशन से। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं इस्कॉन और ये कुछ इस टाइप से दिखता है, और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं ना, तो एक अलग सा ही वाइब आ रहा है। तो चलो चलते हैं यार, सबर नहीं हो रहा, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के दर्शन होने वाले हैं आज, और मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, नेक्स्ट लेवल। सो यहाँ एंटर करते ही ना, सबसे पहले यहाँ शूज़ स्टॉल है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली अपने शूज़ रिमूव करने हैं, और ये ऐसा बैग देंगे, सो आपने उस बैग में डाल देना है, आपको टोकन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड हैंड वॉश दोनों है, सो सबसे पहले हाथ वगैरह अच्छे से धोते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं क्या नया मिलता है। और यहाँ ना बिल्कुल ये हैंड वॉश के बाहर ही प्रसादम भी मिल रहा है, तो पहले दर्शन करेंगे उसके बाद पेट पूजा, ठीक है। और यहाँ पे ये कैंटीन भी है, एंटर करते ही ना आपको यहाँ कैंटीन मिल जाएगी, और यहाँ पे फूल और फल का जो सेवा भंडार है ना, वो भी अगर आप अंदर लेके जाना चाहते हो चढ़ाने के लिए। तो चलो पहले हम दर्शन कर लेते हैं, और एंटर करते ही कुछ इस तरह का एंट्रेंस आ रहा है, और यहाँ पे ना ये पूरा बुक स्टॉल्स वगैरह और सारे के सारे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं और जो आर्च विग्रह है ना छोटे, वो सब मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप ले सकते हो। और फाइनली आप दर्शन कर रहे हैं हम, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना कृष्णा जी। ऐसे ही दर्शन करके ना बाहर आए ना इस लॉबी में, तो ऐसे यार वृंदावन वाला लिटरली वाइब आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ खड़ा होकर घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बताए, बट घर जाना है बिकॉज हर्ष की बर्थडे पार्टी है शाम को। और अगर आपने ना वो ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, आया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं बाहर और दर्शन करते हैं अभी हम गरुड़ जी के, और यहाँ पर बहुत प्यारी वाइब्स हैं यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम यहाँ पे अंदर ना गोविंदास यहाँ पे कैंटीन है, तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए आज, हमने कुछ नहीं खाया। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ है खाने के लिए, इवन पैकिंग सिस्टम भी है अगर आप पैक करा के लेके जाना चाहते हो ना स्वीट्स में, और जैसे लड्डूज वगैरह है, पेड़े हैं, अगर इस टाइप का पैक कराना है, या जैसे सैंडविच है, पिज़्ज़ा भी मिलेगा, इवन यहाँ पे समोसा मिलेगा, कचौड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पे ना ये बर्गर भी है, चीज़ बर्गर, अगर आप ये सब पैक कराना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। क्रीम रोल्स हैं अगर मीठा चाहते हो, यहाँ पे ये चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स में भी काफ़ी सारी वेराइटी है, और यहाँ केक्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, लॉलीपॉप्स हैं छोटे, और यहाँ पे ये वाले बार्स हैं, ये सीड बार्स हैं, ये मिल्क चोको बार है, चोको चिप बार है, और यहाँ पे ये फ्रूट एंड नट वाला बार है, तो ये सब भी यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे डोनट्स हैं, और काफ़ी कुछ है खाने के लिए इस कैंटीन में, तो ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे इतना कुछ देख के ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो इतना सब मीठा मीठा देख के तो सोचें कि मीठा नहीं अभी, पर देखते हैं यार, क्योंकि और यहाँ पे ना ये देखो मैंगो चटनीज और पिकल्स वगैरह भी हैं, अगर आप घर पे लेके जाना चाहते हो जा, ये 200 रुपीज़ का इनका प्राइस है। और यहाँ पे ये कुछ कैंडीज़ वगैरह हैं, माउथ फ्रेशनर्स वगैरह हैं, सो ये सब भी मिल जाएगा। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है हम क्या खा रहे हैं, हम खा रहे हैं समोसा, यहाँ का समोसा बहुत ज़्यादा फेमस है हमने सुना है। रिएक्शन तो दो, वैसे टेस्ट कैसा है?
उसका रिएक्शन बहुत ठंडा निकला बट काफ़ी ज़्यादा गर्म था समोसा एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो अभी हमारी है घर जाने की बारी। सो अभी हम यहाँ टोकन देते हैं और अपने स्लीपर्स वगैरह लेते हैं और चलते हैं घर। और यहाँ पे ना सामने ही यहाँ पे बैटरी रिक्शाज वगैरह हैं, अगर आपको डायरेक्ट मेट्रो के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, पता है हम अंदर बैठे भी काफ़ी देर और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना पीसफुल लग रहा है। मन तो नहीं कर रहा है जाने का बट जाना पड़ेगा, तो नो ऑप्शन यार, घर तो जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमने बैटरी रिक्शा कर लिया है और ये भैया लेके जा रहे हैं और लिटरली मन नहीं कर रहा यार जाने का। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे वापस। तो काफ़ी अच्छे दर्शन थे, काफ़ी अच्छा मंदिर है। अगर अभी तक विज़िट नहीं किया ना तो यार एक बार मेरे कहने पे ना यहाँ विज़िट ज़रूर करना, बहुत अमेजिंग फील आने वाली है। यहाँ पे ये वाला मेन गेट है ये बंद पड़ा है, तो उस वजह से एंट्री है दूसरे वाले से। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।